एक टायर पंचर का दुकान तक चालू नहीं है। अगर एक एम्बुलेंस का इमरजेंसी टायर पंचर होगा तो डेड बॉडी रहे या पेशेंट रहे तो उन्हें क्या करने का, टायर बनेगा कहाँ? वो ऐसे हाल है। एखादा होटल, एखादा दुकान, एखादी छोटी टपरी तो चालू होना ना, एखादा टायर पंचर बनाने वाला होना, सबको रोट रोजी चिल्लर धंधे पे चलती। ये अगर चालू रहेंगे तो लोग आ जाएंगे, खाने कुछ नहीं रहेगा तो मरेंगे ना लोग। अभी जो है पीड़ बाईपास पे है, जहाँ हमने जो है कुछ मैकेनिक है गैरेज के, उनसे हमने बातचीत करे और अभी जो है यहाँ पे हमने देखा सडनली कि गाड़ी जो है बंद पड़ी हुई है, इसको जो है मैकेनिक भी नहीं आ रहा है यहाँ पे बनाने के। आइए वो ड्राइवर से हम जानते हैं। कितनी देर से गाड़ी खड़ी हुई आपकी? आधा घंटा बाद हम तो कोई मैकेनिक मिला आपको यहाँ पे? नहीं मिल रहा मैकेनिक, वो एयर टैंक टूटा हुआ है, रस्सी से बांध के लाया मैं, मैकेनिक नहीं आ रहा अभी, कोई मिल रहा नहीं अभी मैकेनिक। क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, रुकना पड़ेगा, मैकेनिक के बगैर तो जमेगा नहीं। तो फिलहाल गैरेज बंद है, कैसा चलेगा फिर, क्या करेंगे आप? अभी वो सेठ को लगा है फोन, आप क्या मालूम कौन से मैकेनिक आते हैं या नहीं आते। अभी कहाँ जा रही गाड़ी है? नागपुर जा रही। आप क्या काम करते, इधर काम करते? ये गाड़ी के साथ में आया हूँ मैं, गाड़ी हमारी जो है तो फेल हो चुकी है, काफ़ी गैरेज वालों को कॉल कर चुके हम, तो वो आने के लिए रेडी नहीं है, वो बोल रहे हैं सरकार की अनुमति नहीं है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जैसे कि आप सबने दूध डेयरी वगैरह ये जो सबको टाइम दिया है, तो वैसे भी गैरेज वालों को टाइम दो, ताकि जो टर्के वगैरह जो ट्रांसफ़र वगैरह चल रहा है तो उनको सहूलत मिले, ऐसा परेशान ना हो। यहाँ पे कोई किसी को जान नहीं रहा है, किसी को रुक रहा है, हेल्प मांग रहे तो वो बोल रहा है भाई हम खुद परेशान हैं, तेरी हेल्प कहाँ से करना। हाँ ये बड़ी गाड़ी हमारी ट्रक है, 2-3 दिन से आज गाड़ी फेल है, लेकिन मैकेनिक का कुछ पता नहीं है, 3 दिन से परेशान है, यहाँ पर गाड़ी का काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और तकलीफ 24 घंटे चालू है, लॉकडाउन का यही तकलीफ है बस। एक बात बताऊँ, आप कहाँ की गाड़ी और कहाँ जाते हैं और क्या माल लेके आते? ये गाड़ी है अपने औरंगाबाद की है, प्रॉपर यहीं की है, लेकिन जैसा मसला ये है कि गाड़ी का टूट गया है पाटा, लेकिन 3 दिन से फिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गाड़ी अभी तक खड़ा है, तो इसके लिए हमारे को माल भी भरने को जाने का था, तकलीफ हो गई 3 दिन से, तो उसके वास्ते आज गाड़ी का या कल काम होएगा गाड़ी का, तो जब गाड़ी भर के बाहर निकलेंगे। जो भी है सर कि हम गाड़ी धक्का हो गई, हम यहाँ पे आए थे अहमदाबाद गुजरात से, यहाँ आएंगे इंसान को मास्क बांटने के लिए आए थे, लेकिन हमारा कोई फोरमैन भी नहीं मिल रहा, गाड़ी धक्का, गाड़ी बंद हो गई है, और आज तक यहाँ पे 2 घंटे से खड़ा हूँ, पानी पीने के लिए भी कोई दुकान चालू नहीं है, ये 2 घंटे से प्यासा खड़ा हूँ मैं। आपकी गाड़ी बंद हो गई यहाँ पे, तो कोई मैकेनिक नहीं मिला आपको? नहीं कोई मैकेनिक नहीं, धक्का मारने के लिए भी बुलाया तो कोई धक्का मारने के लिए भी राजी नहीं हो रहा है, फिर 2 घंटे से हैरान हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपके मास्क लेके आया था पब्लिक को बांटने के लिए, मास्क बनाने की मशीन, तो भी मैं हैरान हो रहा हूँ, यहाँ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप यहाँ खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं, क्या वजह? यहाँ मैकेनिक नहीं है, मेरा गाड़ी फेल है। आपकी गाड़ी फेल है? कौन सा गाड़ी आपका? मेरा ये ट्रक है, कमर्शियल व्हीकल है क्या, और मेरा ट्रांसपोर्ट भी है, तो अभी मैकेनिक यहाँ नहीं है। कितनी देर से आप खड़े हुए? मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ मैकेनिक के लिए यहाँ क्या, और यानी मेरा गाड़ी भर के जा रहा है गुजरात के लिए, और गाड़ी में माल है, और कभी उसका यानी वी बेल ख़त्म ही हो गया है, तो उसकी अलग हमको यानी डबल वी बेल वो करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, और यहाँ फिर तुरंत में रनिंग में मैकेनिक नहीं है कहीं क्या, और गाड़ी में माल भरा हुआ है, तरबूज भरा हुआ है, अभी तरबूज अब यहाँ शेतकारी का माल है। अगर लेट हो गया तो कुछ माल ख़राब हो सकता है? हाँ माल ख़राब होता है, फिर वो यानी पेमेंट नहीं देता है, फिर अब वो वहाँ का उसको मार्केट में रेट नहीं मिलता है, तो उसका भी लॉस है क्या, जैसा रोज़ में मार्केट का रेट चेंज होता है यानी जो कच्चे माल का है, तो अब वो कच्चा माल वहाँ टाइम पे ना पहुँचा है, टाइमिंग का यानी 60 घंटे देते, 30 घंटे देते, 40 घंटे देते, ऐसा है क्या, तो वो अभी मैकेनिक टाइम पे नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा गाड़ी का, तो वो माल रेट पहुँचेगा। आपने मैकेनिक को फ़ोन करे क्या, उनका क्या कहना है? मैकेनिक का नहीं है, वो नहीं आ रहे, वो बोले पुलिस वाले सब बंद है, बोले मैकेनिक का भी बोले क्या, तो वो भी नहीं आ रहे, कॉल उठा रहे, रिसीव कर रहे, बात कर रहे, वो बड़े वो वहाँ पहुँच नहीं सकते हम बोले। आप कितनी देर से खड़े सर यहाँ पे आप? मैं 2 घंटे से मैं पूरा बाईपास से झालटा फाटे तक जाके आया, मेरे को मेरी गाड़ी समृद्धि महामार्ग पे हाईवा चलते हमारे, तो इंजन ऑयल ख़त्म होने से गाड़ी स्विच हो गई, तो ऑयल ही नहीं मिल रहा कहीं, इंजन ऑयल पूरे गैरेज पे हम 2 घंटे से चक्कर मार रहे, ड्राइवर वहाँ पे रुके हुए हैं, वो उधर भी मालीवाड़ी की तरफ किधर ही से ऑयल नहीं मिल रहा, गैरेज सब बंद है, अब ऐसी परेशानी हुई, गाड़ी अब चलाना का बंद करना ये सोच रहे हम। क्या कहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से ये कह रहे हमारे ड्राइवर है, हमारे जो गाड़ी चालू है, हमारे गाड़ी के बैंक के हफ्ते है, जो लोन उठाए हुए है, अगर ये गाड़ी चालू रहेंगे तो ये सब
हम बैंक के हफ्ते वगैरह भरेंगे। अरे रो ड्राइवरों को घर पे बिठा के तो हम पगार नहीं दे सकते। अब उनके ड्राइवर हमारे पास 5-5 साल से ड्राइवर है, अब उनको वो भी परेशान हो गए। अभी जो चालू था वो भी बंद गिर गया। अभी गाड़ी का मेंटेनेंस है, मैकेनिक नहीं मिल रहा। सब बोल रहे भाई हम लॉकडाउन हो गया, हम आते नहीं, फिर अभी क्या करना, हम परेशान हो गए। अभी 70-70 हज़ार रुपये की गाड़ी का हफ्ता है लोन का। अभी लोन वाले हमारे को फोन कर रहे कि भाई पैसे भरो। आप भरेंगे कहाँ से जब मैकेनिक अवेलेबल नहीं, ऑयल अवेलेबल नहीं, दुकान स्पॉट अवेलेबल नहीं, सब बंद है। अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ से तो झालटा बाट से हम 2 चक्कर मारे, एक टायर पंचर का दुकान तक चालू नहीं। अगर एक एम्बुलेंस का इमरजेंसी टायर पंचर होगा तो डेड बॉडी रहे या पेशेंट रहे तो उन्हें क्या करने का, टायर बनाएंगे कहाँ? ऐसे हाल है। एखादा होटल, एखादा दुकान, एखादी छोटी टपरी तो चालू होना ना, एखादा टायर पंचर बनाने वाला होना, सबको रोट रोजी चिल्लर धंधे पे चलती। ये अगर चालू रहेंगे तो लोग आ जाएंगे, खाने कुछ नहीं रहेंगे तो मरेंगे ना लोग। हाईवे पे सुविधा होना ना, इमरजेंसी में गैरेज चालू होना, गैरेज ये जो इमरजेंसी में होना, गैरेज रहेंगे तो गाड़ी चलेंगे। गाड़ी का मेंटेनेंस बोल के नहीं आता, ड्राइवर वहीं पर खड़ी कर देता। अभी जो है बेड़बा पास के जो है हमने पूरा सर्वे करा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो है गाड़ियां जो है रास्ते में बंद पड़ गई यहाँ पे, और इन्हें जो है मैकेनिक तक नहीं मिल रहा, पानी पीने के वास्ते भी इतना परेशान है, धूप आ गए, एक तो गर्मी का वक्त है इसमें, तो बहुत से जो है गाड़ी वाले परेशान हैं, उनको माल लेके जाना है लाना है, उनका भी जो है कमाई का जरिया रहता आने जाना गाड़ी में लेके आके, इनकी भी जो है मांग है कि भाई हमको कुछ वक्त दिया जाए, तो प्रशासन को जो है कुछ वक्त देना चाहिए। कैमरामैन सैयद इत्तेशाम के साथ मैं अशोक मुख्तार, आप देखते रहिए हमसे समाचार।